नए फाइनेंशियल ईयर में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। 3 से 6 अप्रैल तक चलने वाली आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग में क्या हुआ, इसका ऐलान 6 अप्रैल को होगा। ब्याज दरों को लेकर इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आरबीआई की बैठक में क्या होने वाला है। बता दें कि हाल ही में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों यानी कि फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसीलिए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आरबीआई भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। बता दें कि आरबीआई ने मई 2022 से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई मई के बाद से अब तक रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी कर चुका है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग से इस बार होने वाले रेपो रेट हाइक आखिरी होगा। गुरुवार यानी कि 6 अप्रैल को आरबीआई मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाएगा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिजर्व बैंक कुल मिलाकर एमपीसी की 6 मीटिंग्स करेगा। हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत कई विकसित देशों ने केंद्रीय बैंकों ने यानी कि उनके केंद्रीय बैंकों ने महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि रिटेल महंगाई 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2022 में आरबीआई के कंफर्ट जोन यानी कि 2 से 6% के बीच रही। इसके बाद फिर से महंगाई आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर चली गई। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जनवरी 2023 में 6.52% और फरवरी 2023 में 6.44% रहा। इसके साथ ही अगर ब्याज दरों की बात करें तो 2 महीने पहले यानी कि फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया था, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% पर पहुंच गया। अगर आरबीआई एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करता है तो रेपो रेट 6.5% से बढ़कर 6.75% हो जाएगा, जो कि 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की सबसे ऊंची दर हो जाएगी। हालांकि इसका पता तो अब बैठक के बाद ही चलेगा। आपको बता दें कि रेपो रेट बढ़ने से होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाता है और ग्राहकों को ज़्यादा ईएमआई चुकानी पड़ती है। हालांकि दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ने से एफडी पर ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज भी मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद एमपीसी की ये दूसरी बैठक है, जिसमें अब ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं इसके बारे में पता चलेगा, जिसका फैसला 6 अप्रैल को आएगा। तो आप और हम दोनों इसी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ग्राहकों की ईएमआई बढ़ेगी या फिर कुछ कम होने का, कुछ नरमी दिखाने का कुछ उम्मीद जताई जा रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बजट पेश करने के बाद ये एमपीसी की दूसरी बैठक है, जिसका अब फैसला लिया जाएगा, यानी कि अब पता चलेगा कि फिर से ब्याज दरें बढ़ेंगी या नहीं। तो ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप लगातार बने हमारे साथ और देखते रहें जागरण बिजनेस।